हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिंगो और मैं हूँ पिंगो। आज हम दोनों आप लोगों को सुमित्रा नानी की एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है गीदड़ की कूटनीति। जी हाँ, गीदड़ की कूटनीति, जिसमें यह दर्शाया गया है कि किस तरह कोई कूटनीति का शिकार होता है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं हम लोग सीधे कहानी की ओर। मधुपुर नामक जंगल में एक शेर रहता था, जिसके तीन मित्र थे जो बड़े ही स्वार्थी थे। इनमें थे गीदड़, भेड़िया और कौवा। इन तीनों ने शेर से इसलिए मित्रता की थी कि शेर जंगल का राजा था और उससे मित्रता होने से कोई शत्रु उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था। यही कारण था कि वे हर समय शेर की जी हुजूरी और चापलूसी किया करते थे। एक बार एक ऊंट अपने साथियों से बिछड़कर इस जंगल में आ गया। इस घने जंगल में उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। प्यास और भूख से बेहाल ऊंट का बुरा हाल हो रहा था। इत्तेफाक से उस ऊंट पर शेर के इन तीनों मित्रों की नजर पड़ गई। गीदड़ तो वैसे ही चालाकी और धुरता में अपना जवाब नहीं रखता। उसने इस अजनबी मोटे ताजे ऊंट को जंगल में अकेला भटकते देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया। गीदड़ ने भेड़िए और कौवे से कहा, दोस्तों, यदि शेर इस ऊंट को मार दे तो हम कई दिन तक आनंद से बैठकर अपना पेट भर सकते हैं। कितने दिन आराम से कट जाएंगे और हमें कहीं भी शिकार की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। गीदड़, भेड़िया और कौवा कुटिलता से हंसने लगे। उन तीनों के मन में कूट कूट कर पाप भरा हुआ था। तीनों षड्यंत्रकारी मिलकर अपने मित्र शेर के पास पहुंचे और बोले, आज हम आपके लिए खुशखबरी लेकर आए हैं। तो शेर ने कहा, क्या खुशखबरी है मित्रों, शीघ्र बताओ। महाराज, हमारे जंगल में एक मोटा ताजा ऊंट आया हुआ है। शायद वह काफिले से बिछुड़ गया है और अपने साथियों के बिना भटकता फिर रहा है। यदि आप उसका शिकार कर लें तो आनंद आ जाए। शेर ने उन तीनों की बात सुनी और फिर अपनी मूछों को हिलाते हुए गुर्राया, ओ मूर्खों, क्या तुम नहीं जानते कि हम इस जंगल के राजा हैं? राजा का धर्म है न्याय करना। पाप और पुण्य के दोषों तथा गुणों का विचार करके पापी को सजा देना। मैं भला अपने राज्य में आए उस ऊंट की हत्या कैसे कर सकता हूँ? घर आए किसी भी मेहमान की हत्या करना पाप है, इसलिए तुम जाकर इस मेहमान को सम्मान के साथ हमारे पास लेकर आओ। शेर की बात सुनकर उन तीनों को बहुत दुख हुआ। तीनों भटकते हुए ऊंट के पास पहुंचे और उसे शेर का संदेश दिया। शेर ने घर आए मेहमान का मित्र की भांति स्वागत किया तो ऊंट का भी भय जाता रहा। उसने अपनी शरण में पनाह देने का उसे बहुत बहुत धन्यवाद दिया। शेर ने कहा, मित्र, तुम बहुत समय से भटकने के कारण काफी थक गए हो, अतः तुम मेरी गुफा में ही आराम करो। मैं और मेरे साथी तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करके लाते हैं। मगर होनी को कुछ और ही मंजूर था। उसी दिन शेर और हाथी में एक वृक्ष की पत्तियों को लेकर झगड़ा हो गया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, जिससे दोनों ही बुरी तरह जख्मी हो गए। जख्मी शेर अब कहाँ शिकार कर सकता था। कई दिन गुजर गए। एक दिन शेर के पास जाकर भी बोले, हे जंगल के राजा, आप भूखे क्यों मरते हैं? देखो, हमारे पास ये ऊंट है, ऐसे अवसर पर इसे ही मारकर खा लें। जब तक हम इससे पेट भरेंगे तब तक आप भी ठीक हो जाएंगे। इस बात पर शेर ने कहा, नहीं नहीं, मैं शरण में आए की हत्या नहीं कर सकता। अतः अपनी नई योजना के अंतर्गत वे तीनों ऊंट के पास पहुंचे। ऊंट ने उनकी हालचाल पूछी तो चालाक गीदड़ बोला, भाई, हमारा हाल मत पूछो, हम बड़ी मुसीबत में फंसे हैं।
देखो मित्र, शेर जख्मी भी है और भूखा भी। मांस के बिना उसका पेट नहीं भरेगा और उतना मांस हम जुटा नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम वनराज के पास जाकर कहें कि वे हमें खाकर अपना पेट भर ले। अब चारों इकट्ठे होकर जख्मी शेर के पास पहुँचे। आओ मेरे मित्रों, आओ। पहले ये बताओ कि हमारे भोजन का कोई प्रबंध हुआ या नहीं। तो फिर गीदड़ ने जवाब दिया, नहीं महाराज, हमें इस बात का बहुत दुख है कि हम सब मिलकर भी आपके खाने का प्रबंध नहीं कर सके, लेकिन अब हम आपको भूखा नहीं रहने देंगे। कौवे ने आगे बढ़कर कहा, महाराज आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लें। तो गीदड़ ने बोला, अरे कौवे पीछे हट, तुझे खाने से क्या महाराज का पेट भरेगा? अच्छा तो यही होगा कि महाराज मुझे खाकर अपना पेट भर ले, मेरा क्या है। गीदड़ की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि भेड़िया अपने स्थान से उठकर आगे आया और बोला, भैया गीदड़, तुम्हारे शरीर पर भी इतना मांस कहाँ है जो महाराज का पेट भर जाए। यह सब देखकर ऊंट ने भी सोचा कि मुझे भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। शेर नेक दिल है, वह भला घर आए मेहमान का क्या वध करेगा, और यदि उसके उपकार के बदले मैं उसके किसी काम आ जाऊं तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये सोचकर इन सबसे आगे आकर ऊंट ने कहा, अरे तुम लोगों के मांस से महाराज का पेट भरने वाला नहीं है, आखिर महाराज ने मुझ पर भी तो एहसान किया है। यदि तुम लोग अपने इस मित्र के लिए कुर्बानी देने को तैयार हो तो मैं तुम लोगों से पहले इनसे यही प्रार्थना करूंगा कि मेरे शरीर का मांस खाकर अपना पेट भर ले। तो गीदड़ ने बड़े ही चलाकी वाले भाव में कहा, वाह वाह मित्र हो तो ऐसा, सच्चा मित्र उसे ही कहते हैं जो मुसीबत में मित्र के काम आए। महाराज अब आप देर ना करें, यदि आपने अपने सेवकों की प्रार्थना स्वीकार न की तो। शेर ने बड़ी कठिनाई से उठते हुए ऊंट की हत्या कर दी। पहले तो अपना पेट भरा और बाकी जो मांस बचा हुआ था उससे कई दिनों तक तीनों चालबाज मित्र अपना पेट भरते रहे। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से एक बेचारा मासूम ऊंट कूटनीति का शिकार हो गया। तो दोस्तों, इससे हम लोगों को ये समझना है कि हमें किसी के बातों या किसी के षड्यंत्र में नहीं आना चाहिए, सही समय पर खुद की समझदारी दिखानी चाहिए। जी हाँ, सही समय पर खुद की समझदारी दिखानी चाहिए।